सब्सक्राइब कीजिए देसी इंजीनियर चैनल को और बेल की घंटी बजा दीजिए नए अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार आप सबको, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आप देख रहे हैं देसी इंजीनियर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ, ईपीएफ, पीपीएफ और जीपीएफ के बारे में। ये चारों ही नाम कुछ ऐसे हैं कि हमें इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए जानते हैं इन चारों में क्या फ़र्क है और ये चारों किसके लिए होते हैं और कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम पीएफ या फिर ईपीएफ के बारे में जानेंगे। ईपीएफ सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए होता है जो किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। ईपीएफ को ईपीएफ मैनेज करता है। ईपीएफ को ही आम बोलचाल की भाषा में पीएफ कहा। इस तरह पीएफ और ईपीएफ दोनों एक ही बात हुए। ईपीएफ में कर्मचारी के बेसिक सैलरी का 12% जमा होता है। इसी तरह कंपनी भी 12% जमा करती है, जिसका 3.67% ईपीएफ में और 8.33% ईपीएस में जमा होता है। ईपीएफ को जब आप जॉब करना बंद कर देते हैं तब, या फिर जब आपको 2 महीने तक जॉब नहीं मिलता तब आप निकाल सकते हैं, या फिर कुछ विशेष कारण से जैसे कि अपनी, अपने बेटे की, अपनी बेटी की, बहन की शादी के लिए, या मकान या प्लाट खरीदने के लिए भी आप निकाल सकते हैं। जब आप नौकरी चेंज करते हैं तब आप पीएफ का पैसा अपने नई कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। यह ऑनलाइन हो जाता है और जो बहुत ही आसान है। ईपीएफ में आपको आपके जमा पर 8 से 8.5% तक का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, जो आपके अकाउंट में जमा होता रहता है। ईपीएफ का ब्याज समय समय पर बदलता रहता है। अगर 10 साल तक लगातार आपने पीएफ में पैसा जमा किया तो 50 की उम्र होने पर या फिर 58 की उम्र होने पर आपको ईपीएफओ की तरफ से पेंशन मिलता है। 10 वर्ष के बाद ईपीएफ में से जो पैसा ईपीएस में जमा होता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में, वह पैसा फिक्स हो जाता है जो आपको पेंशन के रूप में मिलता है। अभी अप्रैल 2017 तक पीएफ ऑनलाइन निकालने का सिस्टम नहीं आया है। ईपीएफओ इस पर काम कर रही है और कहा जा रहा है कि जल्दी ही ऑनलाइन निकासी का सिस्टम शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं पीपीएफ की, जिसे हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड या लोक भविष्य निधि कहते हैं। पीपीएफ जिसे हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड या लोक भविष्य निधि कहते हैं, कोई भी बालिग भारतीय नागरिक जो कहीं जॉब करता हो या ना करता हो खोल सकता है। पीपीएफ एक बहुत ही अच्छा जमा योजना है, जिसे किसी भी सरकारी बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है। पीपीएफ में मिनिमम 500 सालाना जमा करना होता है। इससे भी आपको आपके जमा पर 8 से 8.5% तक का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। इसमें मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख का होता है। पीपीएफ के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप उसे मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। अब बात करते हैं जीपीएफ की, जिसे जनरल प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। यह ईपीएफ जैसा ही है, पर यह सिर्फ पुराने सरकारी कर्मचारी के लिए होता है। यह स्कीम अब बंद हो चुकी है। इसके जगह पर 2004 में नया सरकारी स्कीम आ गया था, जिसे एनपीएस के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि पीएफ, ईपीएफ, पीपीएफ में क्या फ़र्क है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।